डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। हम लोगों ने थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर गियर और गियर ट्रेन के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। उसी सीक्वेंस में ये हमारा जो है एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 10, जो ऑलरेडी हम लोग अभी तक 9 क्वेश्चन गियर ट्रेन के कर चुके हैं और 15-20 क्वेश्चन गियर के कर चुके हैं। तो उसी सीक्वेंस में आइए देखिए, सबसे पहले गिवन क्या है इसको लिखते हैं और धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए कंपाउंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन विल ए डी एंड ई, ए देखिए छोटा वाला गियर, डी ये इंटरनल गियर, ठीक है ना। तो ए जो है पहले अटैच किसके साथ है, आपका बी के साथ, ए जो है बी के साथ अटैच्ड है और बी जो है ई के साथ अटैच्ड है, और बी और सी जो है क्या है आपका कंपाउंड गियर है और सी जो है डी से अटैच्ड है, ठीक है। ध्यान से इसको समझिएगा, ए जो है किसके साथ अटैच्ड है, बी के साथ अटैच्ड है, और बी जो है किसके साथ अटैच्ड है, बी जो है आपका अटैच्ड है ई के साथ, और बी और सी जो है, बी और सी जो है क्या है कंपाउंड गियर है, ये कंपाउंड गियर है, और सी अटैच्ड है आपका डी के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे व्हील ए डी आर फ्री टू रोटेट इंडिपेंडेंटली ऑन स्पिंडल ओ, ओ पी क्या है आर्म है, ओ पी क्या है आर्म है, व्हाइल बी एंड सी आर कंपाउंड, ये बी एंड सी आर कंपाउंड गियर ट्रेन एंड रोटेट टुगेदर ऑन स्पिंडल पी, ठीक है पी पे रोटेट हो रहा है। ऑन द एंड ऑफ आर्म ओ पी ऑल द टीथ ऑन डिफरेंट व्हील्स, ऑल द टीथ ऑन डिफरेंट व्हील्स हैव द सेम मॉड्यूल, ठीक है ना, मॉड्यूल सभी का सेम है। और जनरली ऐसे भी देखिए, इस क्वेश्चन में दे दिया है तो वेल एंड गुड, कभी नहीं दे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप मॉड्यूल सेम अपने मन से भी ले सकते हैं। ए हैज 12 टीथ, टी ए जो है कितना है 12 है, टी बी क्या है 30 है, और टी सी है 14 टीथ कट एक्सटर्नली, फाइंड द नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील डी एंड, ये आपको टी डी और जो है टी डी और टी ई पे निकालना है, टी डी और टी ई पे निकालना है, विच आर कट इंटरनली, ये जो डी और ई आपका है इस पे निकालना है, अभी निकालेंगे हम, देखते हैं। इफ द व्हील ए इज ड्रिवन क्लॉक वाइज एट 1 RPS, ठीक है ना, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, द व्हील ए एन ए मतलब आपका एन ए दिया हुआ है 1 RPS क्लॉकवाइज, दैट मीन्स कि हम माइनस ले लें यहीं पे डायरेक्ट, क्लॉकवाइज को हम शुरू से माइनस लेते आ रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज को प्लस, वाइल डी इज ड्रिवन काउंटर क्लॉकवाइज एट 5 RPS, तो एन डी हम लिख सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज तो प्लस 5, ठीक है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर्म ओ पी एंड व्हील ई, तो यहाँ पे आपको जो निकालना है, ठीक है ना, तो निकालना जो है उस पर ध्यान दीजिए, एक तो टी डी और टी ई निकालना है और दूसरा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर्म ओ पी एंड ई, दैट मीन्स कि ये ओ पी का निकालना है और ये व्हील ई का एन ई निकालना है, ठीक है। तो ये अब निकालेंगे हम, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब जो दिया हुआ है उसके हेल्प से सबसे पहले हम ये टी डी और टी ई निकालें, क्योंकि इसके बिना हम टेबल ऑफ मोशन भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम कैसे इसका बनाते हैं और कैसे निकालते हैं। देखिए इस कंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से समझिए, तो कंस्ट्रक्शन को यदि आप देख पा रहे हैं तो जो है ये डी जो आप निकाल रहे हैं, ठीक है ना, किसका ये डी और ई, ये दोनों निकालना है टी डी और टी ई। तो यदि हम डी ई की बात करें, किसकी डी ई जो बाहर वाली है, तो डायमीटर ऑफ ई, डायमीटर ऑफ ई विल बी इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर ऑफ ए प्लस डायमीटर ऑफ बी, यही होगा ना। तो डायमीटर यदि हम लेंगे, ठीक ना, तो इसका हम ऐसा करें कि रेडियस ले लें, तो डी ई बाई टू कर लें, यदि डी ई बाई टू कर लें
तो रेडियस हो गया डी ई बाई टू, किसका ई का रेडियस ले रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा इस ए का रेडियस, दैट मीन्स कि डी ऑफ ए बाई टू इसका रेडियस और प्लस इसका टोटल डायमीटर आएगा बी का, तो ये क्या हो जाएगा डी बी। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं डी ई इक्वल टू डी ए प्लस टू डी बी, इन टर्म्स ऑफ टीथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टी ई इक्वल टू टी ए प्लस टू टी बी हो जाएगा। अब देखिए टी ए हमें दिया हुआ है कितना 12, देखिए यहाँ दिया हुआ है प्लस 2 और टी बी दिया हुआ है 30, तो कितना हो गया ये 60 प्लस 12 कितना हो गया 72, तो ये टी ई निकल गया 72 निकल गया। अब बचा क्या हमारा टी डी निकालने के लिए, तो टी डी इक्वल टू दैट मीन्स की सिमिलर यही फार्मूला पे इसी कॉन्सेप्ट पे देखिए यहाँ पे हम निकाल रहे हैं क्या हो जाएगा डी ऑफ डायमीटर ऑफ डी डायमीटर ऑफ डी अब बाई टू दैट मीन्स की रेडियस ले रहे हैं हम, रेडियस इक्वल टू ये डी ऑफ ए का टू ए का रेडियस अब प्लस जो है यहाँ पे ये देखिए ये सी अटैच्ड है किसके साथ डी के साथ, सी अटैच्ड है डी के साथ और ये बीच में ध्यान दीजिए तो थोड़ा सा गैप है किसके बीच में ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में कितना गैप होगा ठीक है ना, तो दैट मीन्स दी हाफ ऑफ बी और सी का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी दी डिफरेंस, तो यहाँ पे दैट वुड बी मोर बेटर कि यहाँ पे डायरेक्ट हम डी ई के टर्म में लिख दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए यहाँ पे डी ऑफ डी यहाँ ध्यान दीजिए डायमीटर ऑफ डी इसका इक्वल टू डायमीटर ऑफ ई और माइनस क्या हो जाएगा डायमीटर ऑफ ई और माइनस यही छोटा सा गैप और ये गैप कितना हो जाएगा बी और सी का गैप है डायमीटर ऑफ बी माइनस डायमीटर ऑफ सी हो गया गैप। तो यहाँ पे अब इन टर्म्स ऑफ टीथ निकाल दीजिए टी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा टी ई माइनस ये टी बी माइनस टी सी, टी डी कितना है अभी तो निकालना ही है, टी ई अभी निकाले थे आप देखिए 72 ठीक है और माइनस टी बी, टी बी कितना दिया है 30 और टी सी कितना दिया है 14, तो इससे आपका ये टी डी निकल करके आ गया कितना 56, तो यहाँ पे टी डी कितना आ गया 56 और टी ई कितना आ गया 72। तो इस तरह से आपने देखा कि ये टी डी और टी ई निकल गया। अब हम बना लें क्या टेबल ऑफ मोशन ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 10 का टेबल ऑफ मोशन। तो अब टेबल ऑफ मोशन थोड़ा सा देखें हम ध्यान से, तो सबसे पहले क्या होता था हमारा कंडीशन ऑफ मोशन, उसके बाद क्या निकालते थे रिवॉल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, तो रिवॉल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स में सबसे पहला यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है आर्म, आपको हम बता चुके हैं आर्म सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद इसके साथ जो भी अटैच्ड है क्या अटैच्ड है अभी व्हील ए, उसके बाद व्हील ए के बाद क्या हो जाएगा कंपाउंड गियर बी एंड सी, कंपाउंड गियर बी एंड सी और अब लास्ट में सेकेंड लास्ट बी सी के बाद क्या हो जाएगा ये डी क्या हो गया गियर डी और लास्ट में गियर ई ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन अब एक एक हम लिखते चलें, अब स्टैंडर्ड कंडीशन तो वही है ठीक है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन सबसे पहला कंडीशन क्या ठीक है ना, ये फिगर जरूर दिमाग में रखिएगा, पहला कंडीशन क्या है आर्म फिक्स्ड, आर्म फिक्स्ड एंड गियर ए व्हील ए चाहे गियर ए
गियर ए रोटेट्स विथ प्लस वन रिवोल्यूशन, ठीक ना, प्लस वन रिवोल्यूशन, दैट मीन्स कि क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। और एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे गिवन था एंटी क्लॉकवाइज, तो हम क्यों ना इसको, सॉरी क्लॉकवाइज, तो हम क्यों ना इसको क्लॉकवाइज लें, तो इसको हम अब लेंगे माइनस वन, ध्यान रखिएगा माइनस वन, तो ये जीरो माइनस वन, ठीक ना, और ये ए के साथ वन हो गया, तो बी सी के साथ क्या हो जाएगा, टी ए अपन टी बी, और डी के साथ ये टी ए बाई टी बी हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, टी ए बाई टी बी, और गियर डी है, गियर डी किसके साथ अटैच्ड है, सी के साथ, यहाँ गियर डी सी के साथ अटैच्ड है, तो क्या हो जाएगा, टी सी अपन टी डी, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ गियर बी जो है ई से अटैच्ड है, बी जो है ई के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पे यही फार्मूला टी ए अपन टी बी, टी ए अपन टी बी और इंटू टी बी अपन टी ई, दैट मीन्स कि बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, टी ए अपन टी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्या निकल गया, ये कंपाउंड गियर का निकाले और ये गियर डी का निकाल लिए, गियर ई का निकाल लिए। अब सेकेंड कंडीशन क्या होता था, सेकेंड कंडीशन कि आर्म तो फिक्स्ड ही है, आर्म क्या है, फिक्स्ड है, और गियर ए वन रिवोल्यूशन के बजाय एक्स रिवोल्यूशन से रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, तो ये जीरो और ये क्या हो गया एक्स, और ये क्या हो जाएगा एक्स टी ए अपन टी बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी ए अपन टी बी, और ये टी सी अपन टी डी, और यहाँ भी एक्स टी ए अपन टी ई हो गया। थर्ड कंडीशन, कंडीशन ऑफ मोशन थर्ड में क्या लेते थे कि अब आर्म को रोटेट करना है, दैट मीन्स कि आर्म रोटेट होता था तो पूरा रोटेट होगा, दैट मीन्स कि एड जो है माइनस वाई रिवोल्यूशन, यहाँ यदि क्लॉकवाइज लिए हैं तो सब में क्लॉकवाइज इधर लेना है आपको, तो एड माइनस वाई रिवोल्यूशन टू ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स में ये वाई रिवोल्यूशन एड कर दीजिए, माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई। अब क्या करना है आपको, टोटल मोशन निकाल देना है, हो गया। ये टोटल मोशन जैसे आप निकाले तो आपका काम लगभग हो गया, ये माइनस वाई हो गया, ये माइनस एक्स माइनस वाई, और ये माइनस वाई प्लस एक्स टी ए अपन टी बी, इसको ऐड कर देंगे, यहाँ भी इसको ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई प्लस एक्स टी ए अपन टी बी इंटू टी सी अपन टी डी, ठीक है, और यहाँ भी माइनस वाई और प्लस एक्स टी ए अपन टी ई, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कंडीशन देखिए जो दिया है, कंडीशन क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन में कंडीशन ये दिया है कि सिंस द व्हील ए, जो ए जो है इज मेकिंग वन आर पी एस, देन इज वन रिवोल्यूशन पर सेकेंड क्लॉक वाइज, ठीक है ना, तो यहाँ पे ए का स्पीड, दैट मीन्स कि ए का स्पीड क्या हुआ, यही हुआ ना, दैट मीन्स कि आपको ये माइनस एक्स माइनस वाई, कंडीशन एक्स में यही दिया है ना, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, ये दिया हुआ है, दैट मीन्स कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, ये फर्स्ट कंडीशन आपको दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है आपको कि व्हील डी मेक्स फाइव रिवोल्यूशन, डी जो है फाइव रिवोल्यूशन बना रहा है, तो यहाँ पे डी कौन सा है, ये देखिए यही है ना गियर डी, तो ये गियर डी, दैट मीन्स कि फाइव रिवोल्यूशन, दैट मीन्स कि माइनस वाई प्लस एक्स टी ए अपन टी बी इंटू टी सी अपन टी डी इक्वल टू कितना दिया है, फाइव। देखिए इस टीथ का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो ये माइनस वाई, इसको इक्वेशन नंबर वन कर लीजिए अभी, माइनस वाई प्लस एक्स टी ए का वैल्यू कितना दिया है, 12, टी बी दिया है 30, और टी सी दिया है 14, और टी डी दिया है, टी डी आप निकाले हैं 56 इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, 0.1 एक्स
ठीक है, 0.1 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपका 2, ठीक है ठीक है। अब ये इक्वेशन हो गया 1 और ये इक्वेशन 2, इस दोनों को यदि सॉल्व करेंगे तो क्या x और y का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो जब आप x और y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, x और y का वैल्यू इससे, तो आपका x और का वैल्यू जो है यहाँ पे आएगा 5.45, ठीक है ना, और y का वैल्यू आएगा -4.45। तो x और y ये दोनों निकल गया। तो x और y मतलब है क्या? x आप ध्यान दीजिए, x क्या है, गियर a का व्हील a का x प्लस वाई करके निकाल देंगे, ठीक है, तो ये 1 तो आ ही जाएगा, दिया हुआ ही है, और ये y दैट मीन्स कि आर्म का स्पीड निकल गया -4.45, ठीक है, 4.45 दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर्म ओपी दैट इज दी 4.45 RPS इन काउंटर क्लॉक वाइज, ये ध्यान दीजिए काउंटर क्लॉक वाइज, तभी तो हम यहाँ पे प्लस सॉरी क्लॉक वाइज, तभी माइनस आंसर आ रहा है ना, माइनस आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्लॉक वाइज, और जब इसको प्लस लिखेंगे तो यही क्या हो जाएगा काउंटर क्लॉक वाइज, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी आपको कौन सा निकालना है, जो है सॉरी ये एंगुलर वेलोसिटी था ना, तो 4.45 इंटू 2π तो करना पड़ेगा, इंटू 2π करना पड़ेगा, तभी तो निकल करके आएगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, ये तो आपका RPS था। तो एंगुलर वेलोसिटी जब आप निकालेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी 4.45 इंटू 2π करेंगे तो ये लगभग आपका 28 रेडियन पर सेकेंड आएगा, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज में। और लास्ट में अब मांगा है आपसे ई का वेलोसिटी NE, यही मांगा था, तो एन ई मतलब क्या हो गया, यही वाला, ये देखिए यहाँ पे, तो ई का वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, ये एन ई जो है आपका कितना है माइनस वाई प्लस एक्स टी ए अपन टी ई, तो माइनस वाई, तो वाई कितना निकला अभी आपका -4.45, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4.45 प्लस एक्स कितना है 5.45, और टी ए, तो टी ए अपन टी ई, तो टी ए का वैल्यू देखिए 12 है और ई का 72, ये 12 अपन 72 निकाल लेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दैट यू विल गेट हियर 5.36 RPS रिवोल्यूशन पर सेकेंड। और जब एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो को एंगुलर वेलोसिटी में यही 5.36 जो आपने निकाला इसको 2π से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये निकल करके आ जाएगा लगभग 34 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा दोस्त कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, इस क्वेश्चन को 1x1 स्टेप ले करके, सबसे पहले नंबर ऑफ टीथ निकाल दिए दोनों पे, ठीक है ना, नंबर ऑफ टीथ निकालने के बाद आप जो है टेबल ऑफ मोशन बना लीजिए। टेबल ऑफ मोशन बनाना बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आपका आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, जो हमने यहाँ पे गियर ट्रेन के 10-12 क्वेश्चन जो भी सॉल्व करे हैं उसको आपने सॉल्व कर लिया है तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कहीं दिक्कत है तो आप एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, हमारे वीडियोज़ को देख करके आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। वीडियो को पाउज करके बीच में खुद न्यूमेरिकल का वैल्यू निकालिए तो और ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इसी के साथ जो है अभी जो है इसको रुकेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो क्लिक कीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में हम क्वेश्चन भी डाल रखा है तो उस क्वेश्चन को भी आप देखिए और सारे क्वेश्चन के हमने लिंक भी डाल रखे हैं। तो विश यू ऑल दी बेस्ट। और आपको थ्योरी ऑफ मशीन का और जो भी वीडियो चाहिए हो तो आप मेल कर सकते हैं तो मैं उस का वीडियो जो है आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा या लिंक भेज दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल दी बेस्ट।